हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तन्वी सूद। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। कपिल शर्मा और कृष्णा अभिषेक टीवी इंडस्ट्री के दो ऐसे दमदार चेहरे जिन्होंने ऑडियंस को ना सिर्फ एंटरटेन किया बल्कि लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई। कपिल और कृष्णा द कपिल शर्मा शो में जब भी साथ में नजर आते हैं तो लोग हंस हंस कर लोटपोट हो जाते हैं। वहीं दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं इन दो जबरदस्त कॉमेडियंस के बीच कौन है ज्यादा रिच। अकॉर्डिंग टू शोज, कृष्णा एक ऐसे कॉमेडियन हैं जिन्होंने हर बार लोगों को दीवाना ही किया है। टीवी की दुनिया में अपना जादू चलाने वाले कृष्णा ने अपने करियर की शुरुआत बड़े पर्दे से की थी। फिल्म 2002 में आई फिल्म ये कैसी मोहब्बत है से उन्होंने डेब्यू किया था। इसके बाद हम तुम और मदर, जहाँ जाएगा हमें पाएगा और पप्पू पास हो गया जैसी फिल्मों में वो नजर आए, लेकिन बॉलीवुड में उनकी एक्टिंग का जादू नहीं चल पा रहा था। उसके बाद कृष्णा ने भोजपुरी इंडस्ट्री में अपने पैर आजमाने की कोशिश की। वहीं उन्होंने मराठी और तमिल फिल्मों में भी अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन छोटे पर्दे पर उन्हें ज्यादा पहचान मिली। उन्होंने कॉमेडी सर्कस, कॉमेडी का डेली सोप, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, कॉमेडी क्लासेस जैसे रियलिटी शोज के जरिए साबित किया कि वो सिर्फ एक एक्टर ही नहीं बल्कि बेहतरीन कॉमेडियन भी हैं। कृष्णा 35 से 40 लाख पर एपिसोड चार्ज करते हैं। वहीं द कपिल शर्मा शो के लिए कृष्णा 10 से 12 लाख रुपए चार्ज करते हैं। अकॉर्डिंग टू शोज एंड फिल्म्स, सभी को अपनी कॉमेडी से लोटपोट कर देने वाले कपिल ने अपनी करियर की शुरुआत पंजाबी शो हंसते हसांदे रवो से की थी, जिसके बाद उन्हें कॉमेडी रियलिटी टीवी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। कपिल ने शो का खिताब अपने नाम किया था और उन्हें 10 लाख रुपए प्राइज मनी भी मिले थे। इसके बाद उन्होंने सोनी के शो कॉमेडी सर्कस में भाग लिया और वो 6 सीजन के विनर रहे। इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। झलक दिखला जा सीजन 6, छोटे मियाँ, सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग जैसे शोज को उन्होंने होस्ट किया, जहां कपिल ने टीवी की दुनिया में अपनी एक अलग जगह बना ली। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने 2015 में बॉलीवुड डेब्यू किया था। फिल्म का नाम था किस किस को प्यार करूं। अब्बास मस्तान की इस फिल्म के जरिए कपिल छा गए थे। इसके बाद उन्होंने 2017 में एक और फिल्म में भी काम किया जिसका नाम था फिरंगी, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह जा गिरी थी। वहीं अब वो द कपिल शर्मा शो में नजर आ रहे हैं और आए दिन लोगों को अपनी कॉमेडी से गुदगुदाते रहते हैं। वहीं इसके अलावा कपिल OLX, माइक्रोमैक्स जैसी एड्स में भी नजर आ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी एंड कार कलेक्शन, कृष्णा अभिषेक का मुंबई में तो आलिशान घर है ही, साथ ही कहा जाता है कि उनकी शिमला में भी प्रॉपर्टी है। वहीं बात करें कार कलेक्शंस की तो कृष्णा अभिषेक मर्सिडीज बेंज जैसी महंगी कार्स के शौक रखते हैं। वहीं उनकी नेटवर्थ 7 करोड़ से 35 करोड़ के बीच में बताई जा रही है। बता दें कपिल के पास मुंबई में 15 करोड़ का घर और पंजाब में 25 करोड़ का घर बताया जा रहा है। कपिल शर्मा के पास मर्सिडीज बेंज एस क्लास, रेंज रोवर और एक वैनिटी वैन भी है। वहीं उनकी नेटवर्थ की बात की जाए तो कपिल शर्मा 166 करोड़ 10 लाख रुपए के मालिक हैं। तो देखा आपने हमारी इस रिपोर्ट में कृष्णा अभिषेक से ज्यादा रिच कपिल शर्मा निकले। वैसे गाइस, आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी स्टोरीज देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।